देखो बच्चों, जो 12 टेंस होते हैं, वैसे होते हैं तीन, उनके पार्ट्स होते हैं। तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन तरीके के टेंस होते हैं। लेकिन एक के कितने पार्ट हैं? चार हैं। एक के कितने हैं? तो तीन के कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12 टेंस हो गए। तो हमने 11 टेंस आप लोगों को करा दिए। अब कौन सा टेंस? एक आखिरी टेंस रह गया है, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले इनकी पहचान कैसे होगी? पहचान लिखी है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसमें टाइम दिया होगा। क्या दिया होगा? टाइम। निश्चित समय अगर टाइम दिया है तो वहां पर लगेगा सिंस। क्या लगेगा? मैं सुबह से, शाम से, सोमवार से, ये कहूंगा तो वहां क्या आएगा? सिंस आएगा। और फॉर वहां आएगा जहां पर टाइम अनिश्चित होगा। मैं 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तब आएगा तुम्हारा फॉर। क्या आएगा? अब बनाने का नियम क्या है इसे, ये भी देख लो। पहले लाओगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। शैल हैव बीन आएगा हमेशा आई और बी के साथ आएगा। ये बाकी के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगी आई एन जी। जैसे गो है तो गोइंग हो जाएगी, कम है तो कमिंग हो जाएगी, है जंप है तो जंपिंग हो जाएगी, रीड है तो रीडिंग हो जाएगी, राइट है तो राइटिंग हो जाएगी। समझ में आया? है लाफ है तो लाफिंग हो जाएगी। वे 10 घंटे से हंस रही होगी, है तो इस तरीके से आई एन जी जुड़ेगी। फिर लाओगे जो भी ऑब्जेक्ट है जहां पर काम हो रहा काम। देखो, प्रतीक 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा। पढ़ने की अंग्रेजी क्या है? रीड। तो आई एन जी जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। क्या हो जाएगी? देखो कितना आसान है ये वाला। पहले लाओ सब्जेक्ट प्रतीक, आई भी से बना सकते हो, आई भी लिख सकते हो। प्रतीक क्या आएगा? बिल हैव बीन आएगा, शैल हैव बीन, बिल हैव बीन पढ़ रहा होगा, रीडिंग, रीडिंग हिंदी, रीडिंग हिंदी। जब सब्जेक्ट को लिखा जाता है किसी को हिंदी इंग्लिश, तो बड़ा पहला अक्षर क्या लेते हैं? हम बड़ा लेते हैं। रीडिंग कितने घंटे से? 2 घंटे से। ये आखिर मिलाना और आवर्स अभी बताएंगे। ये आवर्स क्यों पढ़ा जा रहा है? एच क्यों नहीं बोला जा रहा है? हॉवर्स। हाँ, अब आगे देखो, वे 10 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। घंटे, 10 घंटे पता नहीं, फोर आएगा। क्या आएगा? वे की अंग्रेजी क्या है? वे की अंग्रेजी क्या है? दे, ले आओ सब्जेक्ट दे। विल हैव बीन, खेलने की है प्ले, प्लेइंग हो जाएगी, प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट फॉर 10 आवर्स आवर्स। समझ में आ गया? अगला, राधा सुबह से
नाच रही होगी। राधा, राधा क्या हो गई? सब्जेक्ट राधा, स्पेलिंग आर ए डी एच ए, राधा। विल यू हैव बीन, विल हैव बीन क्या कर रही है? डांसिंग, डांसिंग हो जाएगी, डांसिंग। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, निश्चित टाइम है ये। अगला, मैं सुबह से बगीचे में टहल रहा होऊंगा, टहल रहा होऊंगा। आई शैल, यहां पर आएगा शैल। हैव बीन पहले की वॉक, वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, सुबह से बगीचे की है, इन द गार्डन बगीचे में। रीता बहुत समय से पढ़ रही होगी। हाँ, रीता सब्जेक्ट है, रीता विल हैव बीन रीडिंग फॉर बहुत समय की है, लॉन्ग टाइम। इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे और घर जाके 10-10 वाक्य लिखना और खुद आके अपने आप बनाना। सबको समझ में आ गए? थैंक यू वेरी मच।